बढ़ते हैं उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले सोमार्श डंगवाल ने टीवी रियलिटी शो डांस दीवाने का खिताब जीत लिया है। और डांस दीवाने का खिताब जीतने के बाद सोमार्श डंगवाल गाजियाबाद में अपने रिलेटिव के पास पहुंचे, जहां सोमार्श से मिलने उनके घर पर लोगों का तांता लग गया और हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने सोमार्श डंगवाल से बातचीत की। महज 7 साल के बच्चे ने न सिर्फ दिल्ली NCR उत्तराखंड बल्कि मुंबई में भी अपने दमखम से न सिर्फ बड़े फिल्म स्टार बल्कि लोगों के भी दांतों तले उंगली दबा दी है। हम बात कर रहे हैं सोमार्श डंगवाल की, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है और हमारे साथ अभी मौजूद है, जिसने डांस दीवाने में फाइनलिस्ट तौर पर यूं कहे कि एक ऐसा खिताब जीता है जिसे देखकर और सुनकर इस उम्र के बच्चे खासतौर से प्रेरित होते हैं। ना सिर्फ प्रेरित होते हैं बल्कि अपने पापा मम्मी से भी कह रहे हैं कि हमें भी अब डांस सीखना है। बेटा क्या नाम है पापा का, मम्मी का, आपका, आपके टीचर का, कहाँ से डांस सीखा, सब कुछ जान लेते हैं आज आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमार्श डंगवाल है। और क्या नाम है पापा का? मेरे पापा का नाम भुवन सिंह डंगवाल है। मम्मी का? मेरी मम्मी का नाम कंचन डंगवाल। अच्छा, सबका नाम याद है। ये बताओ, आप इतने छोटे हो और इतना बड़ा डांस, हमने देखा आपका डांस, बड़े प्रभावित हुए और इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार जो देख रहे हैं और दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी जो बच्चा 7 साल का है, तुम 7 साल के हो, अभी जब 17 के हो गए और 27 के हो गए, तब तो धमाल ही मच जाएगा। हाँ, मचाऊंगा ना। अच्छा ये बताओ, कौन सी क्लास? मैं सेकंड में। मैं सेकंड क्लास में पढ़ने वाला ये बच्चा धमाल मचा रहा। हम पूछ रहे थे कि सोमान जीता के नहीं जीता, सोमान जीत गया है ना फाइनली। अब और क्या? अभी मुझे बस यही कहना है आप सबसे कि आप बस ऐसे ही आपका प्यार कम मत करना। आपके वोटों की वजह से मैं फाइनल एज में पहुंच गया और कोलगेट मोस्ट पॉपुलर जोड़ी मैंने और आकाश भैया ने जीती थी। सो थैंक यू, आप सभी इतना सपोर्ट करते हो और आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना, अपना प्यार कम मत करना। तो ये थे सोमान, जिन्होंने साफ कर दिया कि ये फाइनलिस्ट हो चुके हैं और अब किसी और कार्यक्रम के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। इनके साथियों ने भी बताया कि बेहद खूबसूरत प्यारा बच्चा सोमांश, 7 साल का जरूरत है अब इसे और सीखने की और जानने की और किसी कार्यक्रम में शिरकत करने की और नंबर वन बनने की। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, इंडिया वॉइस, बिहार के